शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जन नायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा ने कहा कि नाई नंद सविता सेन श्री व ठाकुर समाज एकता और विकास से संबंधित प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन में समाज के बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करके समाज से जुड़े सभी समारोह में उपस्थित होकर नाई समाज के विकास और प्रगति के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सीमा शर्मा, सूर्यनाथ शर्मा, विजयनाथ, अमरनाथ शर्मा, ललन प्रसाद शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा ने कहा, बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि 21 तारीख को समाज के उन सब लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, सम्मान समारोह आगे बढ़ाने का, उनके अंदर कार्य क्षमता जगाने का। उनको संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्री कचहरी में अधिवक्ता हाल में उपस्थित होंगे, काफ़ी संख्या में भीड़ होगी। योगेंद्र शर्मा, ये आज जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा संगठन का बैठक रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में हम लोग रखे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह समाज का हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, वकील, बीडीसी सदस्य, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक और होनहार बच्चे जो इस बार पास हुए हैं अच्छे नंबरों से, उनको सम्मानित किया जाएगा और समाज को ऊर्जावान बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये 21 तारीख का कार्यक्रम हम लोग रखे, उसी संदर्भ में ये बैठक हम लोग का रखा गया है।